रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए किस तरह एक बड़ा हुजूम मौजूद है लोगों का, और लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को बेताब। लाखों की संख्या में भीड़ मौजूद है जो रोड के दोनों ओर मौजूद है और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और देखिए किस तरह पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर। तो प्रधानमंत्री का ये रोड शो अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री को जनता का प्यार हर बार मिलता है, हम देखते हैं कि जब जब प्रधानमंत्री के रोड शो होते हैं, इसी तरह की भीड़ देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जिस रास्ते से गुजरते हैं, लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को बेताब रहते हैं। और कर्नाटक में समय चुनाव है और चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। बीजेपी धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है और अपनी जीत का लगातार दावा कर रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी किया और भाजपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने समाज के सबसे कमजोर तबके को प्राथमिकता दी है, ताकि हर व्यक्ति का अंत्योदय यानी कि आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का जीवन भी समृद्ध हो सके और अच्छा बन सके। इसके लिए भाजपा की सरकार लगातार प्रयासरत है। और देखिए जनता का जिस तरह प्यार मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार रोड शो किया, इस क्षेत्र में आए, और इसी तरह जनता के हुजूम ने हाथ हिलाकर पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारी सहयोगी संवाददाता आयशा खानम जुड़ गई हैं। आयशा, जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर, ये अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रहा है। आप वहां मौजूद हैं, आप बताइए क्या अपडेट? जी देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नाइस रोड जंक्शन से अपना रोड शो शुरू किया है और हजारों की संख्या में लोग सड़क पर खड़े हैं और उन पर उनकी वर्षा करते नजर आ रहे हैं। तो जी प्रधानमंत्री मोदी जैसे के यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका स्वागत करने के लिए आयशा, आपकी आपकी आवाज कनेक्शन में कुछ दिक्कत है और हम अपने दर्शकों को सीधे शैलेंद्र, हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास लिए चलते हैं। शैलेंद्र, हम तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की और अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही हैं तस्वीरें। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं और हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहाँ भी रोड शो होते हैं वही उत्साह देखने को मिलता है। सड़क के दोनों तरफ पर जिस तरह से जनता दिखाई देती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, पुष्प वर्षा करने के लिए। आज हमने देखा प्रधानमंत्री ने कई अहम चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। जो सबसे पहली जनसभा उनकी हुई वो बीदर जिले में हुई। बीदर जिले में हुमनाबाद में पहली जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की संबोधित किया। और इसी के साथ हमने देखा कि जो चुनावी अभियान की शुरुआत है उसकी शुरुआत हो गई है कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और आज तीन चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के बाद वो इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पुष्प वर्षा हो रही है, सड़कों के दोनों तरफ लोगों का जो उत्साह है वो देखने लायक है। और ये तस्वीरें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, खास तौर पर कर्नाटक राज्य की जो कार्यकर्ता है उनके उत्साह को बढ़ा रही होगी। हम जब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए एक रथ पर ऊपर दोनों हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, जनता मोदी मोदी के नारे लगा रही है। आज हमने देखा जब बीदर में अपनी
पहली चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे कर्नाटक में, तब हमने देखा कि उन्होंने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया कि किस तरह से कर्नाटक में जो डबल इंजन की सरकार है वो विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम उसने किया है बीते वर्षों में, और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और इस तरह से कहा कांग्रेस पार्टी की जो प्राथमिकता है वो कभी विकास की नहीं रही है। और जिस तरह से हाल ही में जो एक बयान आया था मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर, उसका बिना नाम लिए जिक्र किए करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सूची उन्हें सौंपी गई जिसमें 91 से ज्यादा बार उन्हें गालियां दी गई हैं, और ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने अगर इतनी मेहनत पार्टी के लिए की होती और गुड गवर्नेंस के लिए की होती तो आज उनकी हालत नहीं होती। तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने इस बात का अपने अंदाज में जवाब भी दिया, और प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, पहले वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा था उस बात का जिक्र किया, फिर उन्होंने जिस वक्त कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर के बारे में जो कुछ कहती है, हम जानते हैं कि राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर जो उन्होंने टिप्पणियां की थी उस पर खुद उनके सहयोगी जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उद्धव गुट है जी शैलेंद्र आपत्ति जताई थी। तो निश्चित तौर पर इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं आरेंद्र जिसमें सड़क के दोनों तरफ हम भारी भीड़ देख रहे हैं और कुछ वर्षा देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल और शैलेंद्र जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं निश्चित तौर से प्रधानमंत्री ने कहा कि हर वो बात जो व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री के ऊपर एक आक्षेप लगाया गया उसका जवाब कर्नाटक की जनता देगी, और यही हजारों की संख्या में कर्नाटक की जनता इस वक्त प्रधानमंत्री की एक तस्वीर एक झलक के लिए उमड़ पड़ी है एक तरीके से बेंगलुरु की सड़कों पर, और ये लगभग 5 किलोमीटर के आसपास प्रधानमंत्री का रोड शो जो कि इस वक्त उत्तर बेंगलुरु से निकल रहा है 3 से ज्यादा विधानसभाओं को कवर करता हुआ, और प्रधानमंत्री उनके साथ तमाम भाजपा के नेता इस वक्त मौजूद। हमारी सहयोगी आयशा खानम भी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आयशा, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, हजारों की संख्या में कर्नाटक की जनता सड़कों पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, देखिए बैंगलोर में पहली बार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज स्टार प्रचारक स्टार कैंपेनर बैंगलोर पहुंचे हैं, और पहली बार आज प्रधानमंत्री का शानदार रोड शो यहाँ से शुरू हुआ है नाइट रोड पे। और बैंगलोर देखिए बहुत अहम है, खासकर देखा जाए तो पूरा बैंगलोर शहर जो है 28 सीटें हैं बैंगलोर शहर में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टार कैंपेनर के तौर पर बैंगलोर पहुंचे हैं। उत्तर बैंगलोर के जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके साथ है, सदानंद गौड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है इस विजय रथ पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मागड़ी रोड से आगे बढ़ रहे हैं, और दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ से लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए बैंगलोर राजधानी तो है कर्नाटक की, लेकिन जो बैंगलोर जीतता है उसकी सरकार होती है यही माना जाता है, यानी जिसका बैंगलोर उसी का विधानसभा। तो बैंगलोर में 28 सीटें हैं, तो इसमें बीजेपी के इस वक्त 12 सीटें हैं और कांग्रेस की 13 सीटें हैं और जेडीएस की 3 सीटें हैं। तो ऐसे में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि बैंगलोर की जो बीजेपी का टारगेट कम से कम 25 सीटें यहां से जीत ले तो बीजेपी को लगता है कि एक स्थिर सरकार बनाने में आसान हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है हजारों की संख्या में। देखिए ये जो इलाका है ये बैंगलोर क्षेत्र का अहम रोड है, मागड़ी रोड है, और ये मागड़ी रोड से कुछ ही दूरी पर केम्पेगौड़ा का जन्म स्थान है। केम्पेगौड़ा जो बैंगलोर के संस्थापक थे और यहीं से उन्होंने एक विशाल बैंगलोर की नींव रखी थी 16वीं सदी में। और बैंगलोर शहर जो बड़ा है करीब 12 जो सीट थे बैंगलोर में 2008 में, उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद बैंगलोर 28 सीटें बैंगलोर में हुई है, और ये जो है अहम बात है बैंगलोर के लिए, बैंगलोर के विकास के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये रोड शो है यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं, इनमें से कई लोग छात्र हैं, कई छात्र और कई लोग जो हैं वो इस बात को कई व्यवसायी हैं इस क्षेत्र में, और ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मैदान में उतरते हैं जब इस तरह का स्टार कैंपेनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो हमने देखा कि इस पूरे सड़क पर बच्चे तक इस कैंपेन में जुटे हुए हैं और उनका स्वागत करने के लिए कई बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ड्रेसअप करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं।
आयशा, ये बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि हम लगातार जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तमाम फैक्टर्स की बात होती है। एक और बड़ा फैक्टर जिसको लेकर कहा जाता है फैक्टर एम, यानी कि मोदी फैक्टर, और वही फैक्टर अब हम लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के चुनावी रण में धुआंधार रैलियां करने और रोड शो के माध्यम से जनता तक सीधी पहुंच बनाने को लेकर। आपको लगता है कि जो एंड अंत समय में जो एक तरीके से पूरा मोमेंटम तैयार होता है, या कहा जाए चुनाव का एक तरीके से रुख बदलता है, वो कम से कम एक बड़ी शुरुआत हमको देखने को मिल रही है आज की धुआंधार रैलियों और इस रोड शो के माध्यम से? जी हाँ, बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री की जो धुआंधार कैंपेनिंग रही, हुमनाबाद से शुरू किया। देखिए, हुमनाबाद बीदर जिले में उत्तर कर्नाटक है, तो उत्तर कर्नाटक से लेके अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंगलोर पहुंचे हैं, जो दक्षिण कर्नाटक है, और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयपुरा और बेलगाम जिले भी गए थे। तो प्रधानमंत्री का जो ये चौतरफा एक कैंपेन है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए काफी उत्साह जगाने वाला, काफी उत्साहित करने वाला ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं को करता है। देखिए, बीजेपी भी मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एम फैक्टर की बात आप कह रहे हैं, ये बीजेपी एक्नॉलेज करती है। बीजेपी को इस बात पर पूरा भरोसा है कि जब प्रधानमंत्री मैदान में उतरते हैं तो ये एक मोदी लहर क्रिएट हो जाती है। कर्नाटक में कांग्रेस भी लगातार ये कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी को बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप है, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मैदान में उतरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार जो है वो एक अलग मोड़ पर, इन्हें अलग ही रुख करता हुआ नजर आ रहा है। तो आने वाले दिनों में बीजेपी का ये मानना है, बीजेपी का ये कहना है कि बीजेपी अपनी तरफ से एक कारपेट बॉम्बिंग की तरह पूरे राज्य में, पूरे जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार के जरिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विकास यात्रा है उसको लोगों के सामने रखेंगे। और प्रधानमंत्री की जो शख्सियत है, वो न केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं बल्कि आम आदमी में भी उनकी कनेक्ट है। तो यहाँ पर जो लोग खड़े हैं मागड़ी रोड पर और सुमन हंडली तक जो लोग खड़े हैं, इनमें मैं बीजेपी के कार्यकर्ता या इस इलाके के लोग नहीं है, बैंगलोर से अलग अलग इलाकों से आए हुए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई जो कैंडिडेट्स भी हैं इस क्षेत्र के, खासकर इस क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री जो रोड शो कर रहे हैं, इसमें तीन अहम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यशवंतपुर, आरआर नगर और दासरहली। ये तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो कैंडिडेट्स हैं, ये भी इस रोड शो में शामिल हैं, और इन्हें भरपूर उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर पहुंचने के बाद इस धुआंधार कैंपेन से। आयशा, एक तस्वीर को हम जरूर वर्णन करना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री पे पुष्प वर्षा लगातार हजारों की संख्या में लोग कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने भी उनके इस विशेष वाहन के ऊपर जो पुष्पों का एक पूरा एक हुजूम सा इकट्ठा हो गया है, जो एक बड़ी मात्रा में फूल है वहां पर, उसमें से उसको उठाकर जनता की तरफ दिया है। यानी कि वो जो प्यार और एक जो सम्मान लोग प्रधानमंत्री के प्रति दे रहे हैं पुष्प वर्षा के माध्यम से, वही एक तरीके से प्रधानमंत्री भी उनकी ओर वापस करते हुए, ये अपने आप में दिखाता है उस जुड़ाव को, कनेक्ट को। उत्तर बेंगलुरु की इस सड़कों से गुजरता हुआ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। इसमें बड़े, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल हैं। हर एक के चेहरे पर एक तरीके से खुशी देखी जा सकती है प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर, और प्रधानमंत्री भी लगातार दोनों हाथों से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हर एक चेहरे तक अपने भाव को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ताकि जो लोग वहां पे पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, इस्तकबाल के लिए, उन तक अपनी बात को वो रख सके। ये अपने आप में बहुत अद्भुत तस्वीरें हैं, क्योंकि ये दिखाती हैं प्रधानमंत्री की उस स्वीकारता को, प्रधानमंत्री की उस शख्सियत को, कि कितनी बड़ी संख्या में लोग शाम के इस वक्त में बेंगलुरु की सड़कों पर मौजूद हैं, और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव। अगर हम राजनीति के लिहाज से देखें तो 2023 का कर्नाटक का विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तीन धुआंधार चुनावी रैलियां और उसके बाद में रोड शो, प्रधानमंत्री का सुबह से लेकर शाम तक का बेहद व्यस्त कर्नाटक का कार्यक्रम, और हजारों की संख्या में लोग मौजूद पुष्प वर्षा करते हुए, और प्रधानमंत्री भी उसी बात को एक तरीके से रेखांकित करते हुए हर एक की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए। आयशा, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं वो बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, क्योंकि बेंगलुरु को अपने आप में एक बड़े शहर के तौर पर देखा जाता है, एक ऐसे मेट्रो सिटी के तौर पर देखा जाता है, और यहाँ पे इस
समय इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, लोग अपने अपने कामों में भी व्यस्त होते हैं, तमाम अन्य चीजों में भी व्यस्त होते हैं, उसके बावजूद इस वक्त इतने लोगों की मौजूदगी, ये क्या बयां करती है? जी हाँ बिल्कुल, ये लोग लगातार सुबह से इस रूट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए किसी ने कोई शिकायत नहीं की, धूप में दोपहर से यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने कुछ दुकानों को बंद करने के लिए भी कहा था, तो लोग खुशी खुशी इसको भी इस बात को भी मान गए और हजारों की संख्या में अपने दुकानों के सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत कर रहे हैं। और लोग जो है ना केवल जैसे कि मैंने बताया इस बैंगलोर नॉर्थ क्षेत्र से बल्कि दूर दूर से आए हैं, कई संख्या में छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए मागड़ी रोड और यशवंतपुर और दासरहली ये तमाम क्षेत्र जो है बैंगलोर की बहुत ही व्यवसायिक इलाके हैं, यहाँ पर कई बिजनेस सेंटर्स हैं, छोटे छोटे बिजनेस हब्स हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए यशवंतपुर जाना जाता है। तो यहाँ के हजारों की संख्या में व्यवसायी यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए घंटों से इंतजार करते रहे। इसके अलावा छात्र जो है कई स्टूडेंट्स, हालांकि सुरक्षा के नजरिए से बैंगलोर पुलिस ने ये कहा था कि इस रोड को अवॉइड किया जाए क्योंकि कई जगहों पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं, लेकिन इसके बावजूद कई दूरी से छात्र चलकर इस इलाके तक पहुंचे हैं और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इस इलाके में थोड़ा और आगे जाते हैं, प्रधानमंत्री अपना ये रोड शो एंड करेंगे सुमनहल्ली फ्लाईओवर जंक्शन के पास, वहीं पर कुछ ही दूरी पर डॉक्टर राजकुमार की समाधि है, पुनीत राजकुमार की समाधि है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यही उम्मीद करते हुए यहाँ पर भी जुटे हुए हैं कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ओर से भी गुजरेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एसपीजी प्रधानमंत्री को उस रूट से वहाँ पर जाने की इजाजत देगा, लेकिन इधर हजारों की संख्या में जो लोग और हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री को जिन जिन पॉइंट पर लोग स्वागत करने के लिए, आयशा आप जो बात कह रही है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हजारों की संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर मौजूद हैं, साथ ही साथ जिन पॉइंट्स तक प्रधानमंत्री का रोड शो या काफिला अभी पहुंचेगा वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन सड़क के दोनों ओर जो दुकान है, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, उन पर भी, छतों पर, बालकनी में भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, वो भी एक झलक प्रधानमंत्री की पाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। तो ये भी अपने आप में न सिर्फ सड़कों पर बल्कि हर वो गली चौराहे, घर, व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो इस सड़क के दोनों ओर मौजूद है वहां पर भी लोगों की मौजूदगी, कैमरे के साथ में एक तस्वीर को कैद कर लेने की उत्सुकता, ये भी अपने आप में दिखाती है कि प्रधानमंत्री को लेकर किस प्रकार की जन स्वीकारता है। लोग प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए उभड़े हुए हैं और ये सड़क के दोनों ओर का विहंगम दृश्य जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री के काफिले को, जो उनका वाहन है, उसके वाहन के आने से पहले एक तरीके से फूलों से पट जा रहा है, यानी पुष्प वर्षा लगातार पूरे इस दरमियान देखने को मिल रही है। लोग शोरूम्स पे या जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनकी बालकनी में छत पर खड़े इंतजार कर रहे हैं। सड़क के दोनों ओर पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं का एक बड़ा हुजूम प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। अब आशा अगर देखा जाए तो बेंगलुरु के इस इलाके में, या कहा जाए इस इलाके से जुड़ी हुई तमाम विधानसभा की सीटों के लिहाज से समझने की कोशिश की जाए तो ये रोड शो अपने आप में किस प्रकार से एक बड़ा एक राजनीतिक कदम या बीजेपी के लिहाज से, या कहा जाए किस तरह से अपने आप में दिखाता हुआ नजर आएगा? आयशा जी देखिए, अरेंद्र जी के मैंने पहले बताया बैंगलोर एक ऐसा महानगर है जिसमें 28 सीटें हैं और बहुत अहम होती है ये 28 सीटें तमाम पार्टीज के लिए, और जैसा कि मैंने बताया जो बैंगलोर जीता वो विधानसभा उसी का होगा, तो यानी कि जो बैंगलोर की 28 पूरी सीटें जीत लेता है तो वो सरकार बनाने में एक स्थिर सरकार देने में कामयाब हो सकता है। तो ऐसे में बीजेपी का लक्ष्य है कि पूरी की पूरी 28 सीटें यहाँ से जीत ली जाए। देखिए बैंगलोर उत्तर, बैंगलोर केंद्र, तीन लोकसभा सीट है बैंगलोर में, बैंगलोर सेंट्रल, बैंगलोर उत्तर और बैंगलोर दक्षिण में, और इन तीनों सीटों पर बीजेपी का राज है। तो अब बैंगलोर के नॉर्थ पर भी बीजेपी का बीजेपी के सांसद है सदानंद गौड़ा, जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस विजय रथ पर सवार है। तो बीजेपी का यही लक्ष्य रहेगा कि बीजेपी जैसा लोकसभा में शानदार परफॉर्मेंस करके लोकसभा सीटें, तीनों लोकसभा सीटें अपने पाले में लाई है, तो ऐसे ही बैंगलोर में 28 पूरी सीटें बैंगलोर को बीजेपी जीत सके।
और ये जैसे कि मैंने बताया इस वक्त बीजेपी के पास 12 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 13 हैं। बहुत ही नेक टू नेक फाइट होती है बैंगलोर सीटों के लिए। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया यशवंतपुर, आरआर नगर और दासरहली, यहाँ पर बीजेपी की जो पकड़ है, खासकर उस छोटे व्यवसायिक इकोनॉमिक एक्टिविटी हब्स में जो यशवंतपुर एक मार्केट है भाई, एपीएमसी यार्ड है यहाँ पर, और इस पूरे इलाके में तमाम लोग यही मानकर चलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो छोटे व्यवसायों के लिए जो कई स्कीम लॉन्च की थी, खासकर पोस्ट पैंडेमिक के दौरान जो सहायता केंद्र सरकार ने की थी, वो लोग अभी तक नहीं भुला पाए हैं। और यही इनमें से छोटे छोटे व्यापारी और छोटे छोटे वेंडर जो है यहाँ पर सड़कों पर खड़े प्रधानमंत्री का आज स्वागत कर रहे हैं। और ये भी खास बात यह है कि बैंगलोर क्षेत्र अगर जाति के हिसाब से हम देखें तो बैंगलोर क्षेत्र ज्यादातर वकलिगा जाति डोमिनेटेड है, और यहाँ पर इस वक्त करीब 12 वकलिगा विधायक हैं जो इररिस्पेक्टिव ऑफ दोनों पार्टी। तो अभी यही कोशिश रहेगी कि इस क्षेत्र में भी बीजेपी तमाम लोगों को सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए अपने साथ लेकर चले। और बीजेपी ने जो एक विजय संकल्प यात्रा शुरू की थी उसमें बीजेपी ने एक नारा दिया था, बीजेपी ये भरोसे, यानी बीजेपी ही भरोसा है और बीजेपी पर विश्वास करिए। तो ये लोगों को, कर्नाटक के लोगों को, बैंगलोर के लोगों को बीजेपी ने विश्वास दिलाया है। तो इसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं और उन्हें भरपूर उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये शानदार कैंपेन जरूर उनके लिए बैंगलोर में एक बेहतर राजनीतिक माहौल क्रिएट करेगा। बिल्कुल आयशा, हमने देखा कि प्रधानमंत्री की आज 3 धुआंधार चुनावी रैलियां, और उन्होंने उस बात को भी आज जनता की, कर्नाटक की जनता के सामने रखा कि कैसे कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वर्षों से उनको व्यक्तिगत तौर पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं, और उन्होंने उस बात का जिक्र भी किया कि उन्हें ये जानकारी दी गई कि 91 से ज्यादा बार उनके लिए अपशब्द या निजी टिप्पणियां की गई हैं जो कि बेहद अशोभनीय तरीके से थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात को भी कहा कि हर एक बात का जवाब कर्नाटक की जनता देगी, और यहाँ हजारों लोगों की मौजूदगी, वही कर्नाटक की जनता जो इतने प्यार और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है, ये भी अपने आप में उन तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को जवाब देती हुई तस्वीरें। जी हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों के सामने ये बात रखी कि कैसे उन्हें 90 से ज्यादा गालियों की लिस्ट उनके पास है। हर बार जब चुनाव होते हैं, अलग अलग राज्यों में होते हैं, तो उनके लिए नई नई गालियां कांग्रेस की तरफ से क्रिएट की जाती है। तो प्रधानमंत्री ने खुद गिनाया है कि कितने 90 से ज्यादा गालियां उन्हें दी गई हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कांग्रेस को सलाह भी दी, उन्हें नसीहत भी की कि गालियां देने के बजाय, उस पर तीखे वार करने के बजाय, पर्सनल अटैक करने के बजाय, अगर कांग्रेस विकास में जुड़ जाती, लोगों की वेलफेयर में जुड़ जाती तो ये बेहतर होता, और हो सकता है आज उनकी जो राजनीतिक ताकत है वो बेहतर होती। तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस को नसीहत भी दी है, और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने एक बहुत ही खास और बहुत ही दिलचस्प बात रखी हुमनाबाद की रैली में। और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने लोगों से ये रिक्वेस्ट किया कि तमाम लोग घर घर जाएं और लोगों को नरेंद्र मोदी का नमस्कार पहुंचाएं, यानी घर घर तक नमस्कार पहुंचाएं। तो एक संदेश कैरी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है, लोगों को उत्साहित किया है कि गाली के जवाब में जरूरी नहीं है कि गाली देना है, गाली के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर घर तक नमस्कार पहुंचाने का एक संदेश दिया है कार्यकर्ताओं को और तमाम लोगों को कि चुनाव से पहले वो घर घर मोदी का नमस्कार पहुंचाए। तो ये बात बहुत खास है, बहुत ही भावुक बात आज लगी हुमनाबाद के लोगों को भी, कर्नाटक के लोगों को भी, और कर्नाटक के लोगों को इस बात का गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उन पर गालियां बरसाई जा रही है उसके जवाब में उन्होंने एक सिंपल शब्द में, एक बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने लोगों तक अपना नमस्कार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए कैंपेन का जो नैरेटिव है, जो डायनामिज्म है, वो अब बदल रहा है। कांग्रेस एक तरफ, कांग्रेस के पास शायद अब मुद्दों की कमी हो गई है, तो कांग्रेस अब पर्सनल अटैक पर उतर आई है। तो ऐसे में बीजेपी एक बैकफुट पर प्रचार करते हुए, बीजेपी विकास का नारा रख रही है,
सबका साथ सबका विकास और डबल इंजन सरकार, ये बहुत अहम है क्योंकि इस चुनाव में कर्नाटक में शायद ये पहली बार है कि आयशा हम तस्वीरों में इस वक्त हम जो वहाँ के स्थानीय जो वाद्य यंत्र है उसको आवाजें भी सुन पा रहे हैं और हम ये देख भी पा रहे हैं कि तमाम लोग ढोल नगाड़े जैसी चीज लेकर भी पहुंचे हुए हैं और उसके साथ में स्वागत करते नजर आ रहा है क्योंकि ये एक सांस्कृतिक छटा को भी दिखाता है एक तरीके से नजर आ रहा है। लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ में पारंपरिक उस विरासत के साथ में भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ में ये ताशे बाशे ये भी अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग बहुत सी तैयारियां करके पहुंचे हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कर्नाटक के लोगों की संस्कृति है, यहाँ की कला है डोल्लू कुनीता और गुम्बे कुनीता, यानी जो बड़े बड़े गुड़िया जैसे डांसिंग कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं मेगा। तो निश्चित तौर से अपनी बात ये बेहद महत्वपूर्ण कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो उत्तर बेंगलुरु में इस वक्त अपने आप में सड़क के दोनों हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी और लगातार लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूलों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी दोनों हाथों को हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए हर एक उस व्यक्ति का जो इस वक्त प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचा हुआ है, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। लगातार लोगों का एक बड़ा हुजूम प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, इसमें पुरुष महिलाएं युवा बच्चे हर कोई शामिल है और लगातार हम वो देख रहे हैं किस प्रकार से लोग दौड़े जा रहे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक को पाने के लिए। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो दक्षिण में बीजेपी का मजबूत किला और पहले किले के तौर पर और लगातार उस मजबूती को और आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जुझारू तरीके से लगे हुए हैं और निश्चित तौर से आज की रैलियां और रोड शो एक बड़ा काम करती नजर आएंगी बीजेपी के पक्ष में। देखिए निश्चित तौर पर दक्षिण भारत के सबसे प्रमुख एक तरह से कहें बीजेपी के लिहाज से जब सबसे पहली बार बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी तबसे हमने देखा है कि उसके बाद लगातार कर्नाटक और कई अन्य राज्यों में एक तरह से देखें पार्टी की जो जमीनी आधार है उसमें विस्तार हुआ है और हम आज की जो तस्वीरें देख रहे हैं दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं रोड शो में इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं जब जनता पुष्पवर्षा करती नजर आती है। और दरअसल अगर आप इस लिहाज से देखें कर्नाटक की जो राजधानी है ये जो आईटी शहर है इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी कई कद्दावर नेता यहाँ से चुनाव जीत कर जाते हैं। आप देखें कि बीजेपी के युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या वो भी बेंगलुरु साउथ लोकसभा से चुनाव जीत कर संसद पहुंचे हैं। बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में युवा नेताओं को पुष्पित पल्लवित करने का काम भी बीजेपी कर रही है और बीजेपी दक्षिण की राजनीति के लिहाज से भी और कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो आधार है वो पहले से ही काफी मजबूत हो चुका है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये चाहेगी कि जो सफलता का सिलसिला है वो आगे जारी रहे और यही वजह है कि आज पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार चुनावी जनसभाओं की शुरुआत बीदर से हुई है और आज ही 3 जनसभा को संबोधित करने के बाद हम ये बड़ा रोड शो देख रहे हैं कर्नाटक की राजधानी में। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण लिहाज से है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को उठा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने के प्राथमिकता में विकास नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसे मुद्दों पर राजनीति करती है जो जनता के हित के लिए नहीं है और डबल इंजन की सरकार बीजेपी की जिस तरह से विकास के काम कर रही है तो दरअसल बीजेपी जनता को बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता में राज्य के विकास इस तरह से नहीं है तो ऐसे में जनता को एक बार फिर से बीजेपी का साथ देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है जो राज्य के जो रणनीतिकार है केंद्र का जो नेतृत्व है वो इस बात से आह्लादित होगा जिस तरह की तस्वीरें आज यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे रही है इस रोड शो में। और निश्चित तौर पर हमने तीनों जनसभाओं में भी देखा कि बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही, बड़े धैर्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन मुद्दों को उठाया उन मुद्दों पर जिस तरह से रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था ऐसा लग रहा था कि जो कनेक्ट है वो हमेशा से ही हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के साथ रहा है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की रणनीति के लिहाज से आज की जो 3 की चुनावी जनसभाएं हैं साथ ये रोड शो बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर पर बीजेपी उन सीटों पर फोकस कर रही है या उन इलाकों में फोकस कर रही है हम देख रहे हैं जहां पर जनता दल एस का एक तरह से जनाधार माना जाता है वहां पर भी इस बार बीजेपी बहुत फोकस कर रही है और पार्टी को लगता है कि जनता दल एस के
जीती हुई तमाम सीटें इस बार बीजेपी के खाते में आएंगी। निश्चित तौर पर पार्टी की एक अपनी रणनीति है कि जिन सीटों पर वो चुनाव जीती थी उसे बरकरार रखा जाए, इसके साथ ही साथ जिन सीटों पर सफलता नहीं हासिल हुई थी वहां पर इस बार जीत दर्ज की जाए। तो उस लिहाज से हम देख रहे हैं कि पार्टी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है और उसके सबसे बड़े स्टार शैलेंद्र जो इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं, अपने आप में हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम ये दिखाई पड़ रहा है और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात की हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए आए हैं। उम्र के हर लिहाज से अगर देखा जाए बच्चे बूढ़े युवा महिलाएं सभी हैं फूलों से स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री भी बेहद प्रसन्न मुद्रा में हर एक व्यक्ति के अभिवादन को सहर्ष स्वीकार करते नजर आ रहे हैं और दोनों हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। आज 3 बड़ी चुनावी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर और अब बेंगलुरु में ये रोड शो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण वर्तमान में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। आयशा भी हमारे साथ हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई। आयशा, हमने देखा है कि जनता तक पहुंचने को लेकर हर वो माध्यम का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं जो भी संभव है, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो रियल हो और चाहे रैली के माध्यम से हो रोड शो के माध्यम से हो। हमने देखा कि प्रधानमंत्री कभी मौका नहीं छोड़ते और बीते तमाम चुनावों में प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर तमाम राजनीतिक जानकार ये कहते रहे हैं कि अपने आप में बीजेपी को एक बड़ा फायदा के तौर से मिलता रहा है। तो निश्चित तौर से ये रोड शो भी अपने आप में बहुत कुछ उस कहानी को दोहराता नजर आएगा। आयशा, आयशा क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हरेंद्र, मैं वही कह रहा था कि प्रधानमंत्री के तमाम जो पिछले रोड शो हैं तमाम राज्यों की अगर उनकी बात की जाए तमाम राजनीतिक जानकार इस बात को कहते हैं कि उन्होंने एक बड़ा परिवर्तन किया बीजेपी के पक्ष में और आज का ये रोड शो भी किस तरीके से रहेगा कर्नाटक विधानसभा की राजनीति के लिहाज से। देखिए, बीजेपी ने बहुत बड़ा फेरबदल किया है जब बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट बना रही थी, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि नए चेहरों को सामने लाया जाए, जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है उन्हें आगे लाया जाए, और बीजेपी ने अपनी लिस्ट में कई नए चेहरे कई नए उम्मीदवारों को टिकट दिया है और ये बीजेपी का भरोसा है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं जो एक क्लीन इमेज और साफ सुथरी छवि के साथ इन्हें मैदान में उतारा गया है, तो इन जो युवा कैंडिडेट्स हैं ये बीजेपी की ताकत बन सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन तमाम युवकों के लिए नए चेहरों के लिए कैंपेन करेंगे तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही आसानी से ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो अपना बीजेपी के जो अपने वैल्यूज हैं जो डिसिप्लिन वैल्यूज हैं ये तमाम चीजें आगे रखते हैं, यानी भ्रष्टाचार जीरो करप्शन पॉलिसी जो बीजेपी के अंदर है ये तमाम चीजें जो है इन नए चेहरों के लिए कैंपेन करते वक्त बीजेपी जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन का हिस्सा रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो पूरी शाम हो चुकी है और लोग पूरा दौड़ रहे हैं इस काफिले के पीछे और कुछ ही देर में ये काफिला जो है सुमनहल्ली फ्लाईओवर के नीचे पहुंच जाएगा जहां पर फ्लाईओवर जंक्शन है और भारी मात्रा में भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले इस इलाके में केंगेरी कोमकट्टा इलाका है जो बैंगलोर का सैटेलाइट टाउन है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 27,000 करोड़ रुपए की सैटेलाइट सबर्बन रेलवे की योजना का आगाज किया था। इसी इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंगलोर के लिए नए रेलवे स्टेशन बैंगलोर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया था। तो कोमकट्टा केंगेरी ये तमाम वो इलाके हैं जो इस रोड शो से सटे जो रेजिडेंशियल इलाके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि जब कोमकट्टा पहुंचे थे कि वो 6 महीने के अंदर सब अर्बन रेलवे का प्रोजेक्ट जो है उसका रिव्यू करेंगे और उन्होंने कहा कि डेडलाइन जो बीजेपी ने दिया है जो राज्य सरकार ने दी है इस डेडलाइन को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री खुद इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेंगे। देखिए, बैंगलोर केंगेरी ये तमाम चीजें जो है बैंगलोर जैसे जैसे बढ़ता गया ये सैटेलाइट टाउन भी बैंगलोर के साथ जुड़ते गए तो ऐसे में बैंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दबाव में आ गया। तो बैंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया रुख एक नया रोडमैप देने के लिए नया ब्लूप्रिंट देने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाओं का आगाज किया कई योजनाएं लागू की है और सब अर्बन रेलवे एक अहम योजना है जो 27,000 करोड़ रुपए की लागत पर
करीब 148 किलोमीटर बैंगलोर का जो पूरा कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को कनेक्ट करेगी। तो बैंगलोर की जो समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर समस्या, ट्रैफिक की समस्या, पानी की समस्या, और कुछ ही समय पहले बैंगलोर में तेज बारिश के चलते जो फ्लडिंग हुई थी, उसके बाद जो रोड रिपेयर की बात हुई, राज्य सरकार ने तुरंत हरकत में आई और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की बात कही, मेट्रो रेल है। तो बैंगलोर जैसा शहर जैसे जैसे बढ़ता गया, बैंगलोर का जो दायरा था सिर्फ 8 किलोमीटर था कुछ साल पहले तक, जब तक यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री शुरू नहीं हुई, लेकिन अब इसका दायरा 138 किलोमीटर हो गया है, यानी 148 किलोमीटर जो पूरे बैंगलोर और उसकी सैटेलाइट टाउन्स को जोड़ता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शहर पर बैंगलोर को एक वर्ल्ड क्लास सिटी, एक आईटी सिटी, भारत का सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बनाने के लिए खास तवज्जो दी है और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स बनाए हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की योजनाएं और विकास की जो धारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले तो यहाँ पर आगाज किया था इसी क्षेत्र में, इसी इलाके में, तो ये लोगों को याद है और लोग इसी बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जो बीजेपी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है वो कर दिखाएगी। और बीजेपी भी यही कह रही है कि अगर कर्नाटक में डबल इंजन सरकार हो, यानी राज्य में और केंद्र में बीजेपी सरकार हो, तो जल्द विकास की योजनाओं को लागू करना आसान हो सकता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के लिए ये कैंपेन बहुत ही, प्रधानमंत्री का ये कैंपेन जो है बहुत दिलचस्प है। और इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला जो है आगे बढ़ रहा है, सुमनहल्ली फ्लाईओवर जंक्शन पर ये रोड शो जो है खत्म होगा। अपने आप में ये तस्वीरें लगातार उत्तर बेंगलुरु से हम दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो के माध्यम से क्षेत्र में बीजेपी को बल दिया है। इस क्षेत्र में कई योजनाएं उन्होंने लागू की है इस क्षेत्र के विकास के लिए। बेंगलुरु मैसूर हाईवे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था और ये बेंगलुरु का बैंगलोर मैसूर हाईवे जो है एक विकास का हाईवे है जो बैंगलोर और मैसूर को सीधे कनेक्ट करता है। तो कल भी आप इसी तरह के नजारे मैसूर में देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह का रोड शो मैसूर में भी करेंगे। और अब प्रधानमंत्री का जो काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे सुवर्णहल्ली फ्लाईओवर तक पहुंचेगा। देखिए बहुत दिलचस्प है आरेंद्र, प्रधानमंत्री पहुंचने से पहले थोड़ी देर तक बारिश हुई, लोगों को लग रहा था कि कहीं बारिश के चलते ये रोड शो कैंसिल ना हो जाए, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे उस बारिश थम गई और रोड क्लियर हो गया और प्रधानमंत्री अब तमाम लोगों के साथ यहाँ पर रोड शो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुदरत भी शायद उनका साथ दे रही है कि बारिश थमी है और ये रोड शो पूरी तरह से कामयाब होता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आयशा, जो बात आप जिक्र कर रही हैं बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस रोड से ये काफिला गुजर रहा अभी मेरी नजर पड़ी, कोई एक शोरूम का नाम था मधुर मिलन। तो निश्चित तौर से प्रकृति भी जनता और प्रधान सेवक के बीच के इस मधुर मिलन के बीच में आने वाली नहीं थी। बारिश हुई लेकिन थम गई और यह बिना बारिश के, बिना किसी बाधा के लगातार रोड शो चलता हुआ और हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी। हम इन तस्वीरों के साथ लगातार वो उत्साह की आवाजें भी सुन पा रहे हैं। आयशा, आप किस तरह से देखती हैं लोगों का ये उत्साह क्या बयां करता है? लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, लोग लगातार उत्साह अपना दिखा रहे हैं और सड़कों के दोनों ओर दौड़ती युवाओं की ये भीड़ भी अपने आप में बताती है कि लगातार प्रधानमंत्री के साथ वो सफर तय करने को तैयार नजर आ रहे हैं। तो ये मधुर मिलन अपने आप में जनता और प्रधान सेवक के बीच का ये क्या बयां करता है उत्साह के साथ? जी हाँ आरेंद्र, आपने बहुत सही कहा, आपकी नजर पड़ी उस मधुर मिलन पर और यहाँ पर ये मधुर मिलन सड़क पर देखने को मिल रहा है जहाँ पर जनता और एक प्रधानमंत्री आमने सामने है और इतना शानदार मधुर मिलन ये नजर आ रहा है कि प्रधानमंत्री खुद इन तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। न केवल लोग उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं बल्कि खुद प्रधानमंत्री भी उल्टा लोगों को अपनी तरफ से फूल लोगों पर बरसा रहे हैं। तो ये एक कनेक्ट होता है प्रधानमंत्री का, पहले भी हमने देखा हुबली में, बेलगाम में और अलग अलग जगहों पर, खासकर ये कनेक्ट जो है यानी इसको प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री और एक आम जनता के बीच में जो एक दीवार होती है उसे, उस दीवार को तोड़ती है। यानी प्रधानमंत्री एक जनसेवक के तौर पर लोगों के साथ जुड़ते हैं, एक आम आदमी की तरह उनके साथ जुड़ते हैं और यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी नजर नहीं आती जब इस तरह के रोड शो होते हैं।
और ऐसे रोड शोज में युवक भारी मात्रा में पहुंचते हैं, क्योंकि युवकों को, कई युवकों से हमने यहाँ पर बात भी की और ये युवक, इनमें से कई युवक ही हमें बता रहे थे कि कई लोग देश के अलग अलग हिस्से से भी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं बैंगलोर में, और उनका ये कहना था कि आज मौका मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र में आए हैं, तो वो तमाम युवक जो है देश के दूसरे इलाके से यहाँ पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं, तो ये युवक भी लंबी कतार बनाकर प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। तो ये जरूरी नहीं है कि महज बैंगलोर के लोग इस रोड शो में शामिल, यहाँ पर हजारों की संख्या में दूसरे राज्यों से आए हुए युवक और दूसरे राज्यों से आए हुए व्यवसायी और जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री की इस यात्रा का हिस्सा है। और जैसे कि मैंने बताया, ये लगभग एक पदयात्रा जैसा नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री की विजय रथ जो है उसके साथ साथ लोग दौड़ रहे हैं और पूरा 5 किलोमीटर का लंबा सफर जो है तय करने, उन्हें कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा से लोगों की कनेक्ट के लिए वो अलग अलग साधन इस्तेमाल किया, भले ही वो मन की बात हो, भले ही वो स्टेज से प्रचार करते हो या फिर वो वर्चुअल सभाएं संबोधित करते हो, हमेशा प्रधानमंत्री जनता से पहले कनेक्ट करते हैं, या फिर वो अगर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हैं। देखिए, रैली से पहले प्रधानमंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के तहत कर्नाटक में करीब 36 अलग अलग जगहों पर एड्रेस किया था, जिसके तहत कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह, काफी जोश, मोटिवेशन नजर आ रहा था। तो प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को यही कहते हैं कि अगर बूथ को मजबूत बनाया जाए तो ये बीजेपी की ताकत है, और बीजेपी की ताकत है वो कार्यकर्ता जो जमीन पर काम करता है। तो प्रधानमंत्री इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और हर कार्यकर्ता को एक इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस फील कराते हैं। यहाँ पर खड़े हुए कतार में खड़े हुए लोग अपने आप को ऐसे समझ रहा था कि प्रधानमंत्री उसे इंडिविजुअली मिलने आए हैं, तो इस बात का एहसास प्रधानमंत्री दिलाते हैं, और यही खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आप देख रहे हैं कि उनके पीछे पीछे हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और सुमनहली फ्लाईओवर तक जाने के लिए तैयार है। आयशा, तो अपने आप में आपने जिस बात का जिक्र किया कि हजारों लोग जो सड़क के दोनों ओर मौजूद हैं, हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर उनके अभिवादन को स्वीकार किया और एक तरीके से रेसिप्रोक्रेट भी किया उनके अभिवादन को लेकर। निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण है, और प्रधानमंत्री हर एक व्यक्ति में, अपनी पार्टी से जुड़ा हो या फिर एक आमो खास हो, उसमें उत्साह पैदा करने के लिए एक गजब की ऊर्जा रखते हैं, क्योंकि अपने उम्र के 7 दशक पूरे कर चुके प्रधानमंत्री के अंदर इतनी चुस्ती फुर्ती और स्फूर्ति है जो दूसरों के लिए एक उदाहरण है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को जनता के बीच में जिस प्रकार की स्वीकारता मिलती है, उन्हें वैश्विक स्तर के नेता के तौर पर वो स्वीकारता उन्हें वैश्विक नेता तक बनाती है। तो निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री लगातार सुबह से लेकर देर शाम तक जनता के बीच रहते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, उनके बीच में इतना लंबा एक रोड शो कर रहे हैं, लगातार अपने विशेष वाहन पर वो खड़े हुए हैं, जनता का दोनों हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं। कम से कम लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है इस रोड शो को शुरू हुए, ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री उम्र के इस पड़ाव पे भी बेहद चुस्त दुरुस्त और लगातार दूसरों में उत्साह भर देने का एक तरीके से संचार करने का काम करते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ में लगातार मौजूद है। शैलेंद्र, हमने देखा था कि किस प्रकार से 50-50 किलोमीटर लंबे रोड शो भी प्रधानमंत्री ने किए हैं, और निश्चित तौर से वो जो ऊर्जा है प्रधानमंत्री की, वो उनकी उस टीम में और वहां मौजूद जनता में कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होती भी नजर आती है, और यही उत्साह अभी हजारों की संख्या में मौजूद लोगों में भी साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है बेंगलुरु में, कर्नाटक में प्रधानमंत्री का वो गजब की स्फूर्ति। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर ये ऊर्जा दिखाई देती है और जनता भी उसी उत्साह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने को तत्पर रहती है। हमने पिछले दिनों जो रोड से देखा कोच्चि में, त्रिवेंद्रम में, और आज आप रोड तो देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ कर्नाटक की राजधानी में। तो ऐसे में सब रोड शो में एक तरह से देखे तो हर वर्ग के लोगों की जो भागीदारी है वो अपने आप में उत्साह दिखाती है, अपने आप में बताती है कि किस तरह से एक तरह से देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का प्यार मिलता हुआ दिखाई देता है। और निश्चित तौर पर बीजेपी के लिहाज से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आज वो कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर उसको एक नई गति देते हुए, और ऐसे में निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि
इस रोड शो में जिस तरह से सभी वर्गों की भागीदारी दिखाई दे रही है, खासतौर पर युवाओं की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने और कर्नाटक में राज्य सरकार में बीजेपी ने युवाओं के लिए बहुत कुछ बहुत काम किया और आईटी सिटी के तौर पर बेंगलुरु जाना जाता है। बड़ी संख्या में युवा रहते हैं यहाँ पर और हम जानते हैं कि उन्हें रोजगार के नए नए अवसर मिले हैं और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किया गया है, निश्चित तौर पर कुछ तरह से युवाओं में उत्साह दिखाई देता है और हम इस रोड शो में भी देख रहे हैं बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी है। राजनीतिक तौर पर तो हम जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सबसे ज्यादा अभी तक इस तरह से कहें तो युवाओं को टिकट देने का काम किया है, नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है और बीजेपी लगातार ये कहती है कि वो नई पीढ़ी को, वो सेकेंड लाइन लीडरशिप को उभारने का काम लगातार राजनीतिक तौर पर पार्टी के अंदर करती रहती है और जब सत्ता में आती है तब युवाओं के लिए तमाम योजनाएं बनाने का काम, युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं के साथ उन्हें रोजगार के अवसर हो, उद्यमिता के अवसर ज्यादा से ज्यादा हो, उस दिशा में काम करती है। तो निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं रोड शो में सभी वर्गों का प्यार उमड़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, खासतौर पर युवाओं का और महिलाएं भी बड़ी संख्या में दिखाई दे रही है। आप सड़कों के दोनों तरफ देख पा रहे होंगे आरेंद्र, जहां जहां पर कुछ दुकानों के ऊपर लोग खड़े हुए हैं एक तरह से, वो दिखाता है कि जहां जहां जिसको जगह मिली है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखना चाहता है, पुष्प वर्षा करना चाहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं स्वागत स्वीकार करने में। और निश्चित तौर पर बीजेपी के लिहाज से देखे आरेंद्र तो कर्नाटक की जो चुनावी जो एक तरह से विश्वास है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कई ऐसे रणनीतिक कदम उठाए हैं, चाहे स्थानीय स्तर नए नेताओं को टिकट देना हो, स्थानीय स्तर पर नई लीडरशिप को उभारना हो। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि बीते दो तीन वर्षों में कई ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया जिसमें पार्टी के विजन की एक झलक मिलती है। निश्चित तौर पर उन सबको सामने रखते हुए और सबसे अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकप्रियता जिस तरह से है और जो इन तस्वीरों में दिखाई देती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी अपनी रणनीति पर आधारित होती हुई नजर आ रही होगी, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही होगी। जब हम देख रहे हैं कि आज इसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक राज्य में है, तीन धुआंधार चुनावी जनसभाओं के बाद रोड शो कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये रोड शो की तस्वीरें विहंगम दृश्य अपने आप में, हजारों संख्या में लोगों की मौजूदगी, हाथों में पुष्प और पुष्प वर्षा के माध्यम से प्रधानमंत्री के इस विशेष वाहन का स्वागत और लगातार प्रधानमंत्री का वाहन जैसे ही सड़क तक पहुंचता उससे पहले फूलों की वर्षा हो रखी होती है। तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाने बताने के लिए बहुत है ये तस्वीरें कि कितना बड़ा हुजूम इस वक्त बेंगलुरु की सड़कों पे नजर आ रहा है। सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी, प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए, उनके सम्मान के लिए फूलों की वर्षा और प्रधानमंत्री भी दोनों ओर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, तीन चुनावी रैलियां और आज अब रोड शो, और कल भी मैसूर में रोड शो का जिसका जिक्र हमारी सहयोगी आयशा कर रही थी, अपने आप में बेहद बड़ी बात। और लगातार हम देख रहे हैं किस प्रकार से लोग फोन के माध्यम से प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को कैद कर लेना चाहते हैं क्योंकि उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण लम्हा है और हर एक व्यक्ति को ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री उनके इस व्यक्तिगत अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं और उनकी एक झलक अगर उनकी तरफ होती है तो वो उत्साह का संचार साफ तौर पे दिखाई पड़ता है, समझ में आता है। लगातार उन तस्वीरों को हम देख रहे हैं और ये तस्वीर देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। यहाँ पर पुलिस के लोग व्यवस्था बनाने के लिए मौजूद हैं लगातार, लेकिन यहाँ पर इस सड़क के यहाँ पर इस मुहाने पर मीडिया की मौजूदगी, बड़ी संख्या में जनता की मौजूदगी और लगातार लगभग एक घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है और प्रधानमंत्री के इस रोड शो के में हमें हजारों की संख्या में सड़क के दोनों ओर लोगों की मौजूदगी दिखाई पड़ रही है। हमारी सहयोगी आयशा और हमारे सहयोगी शैलेंद्र दोनों ही लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आयशा, लगभग एक घंटे का वक्त और 24 घंटे चलने वाले इस शहर में बेंगलुरु में अगर बात की जाए तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, शाम का लगभग 7:30 का वक्त हो रहा है और ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, ये भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। आयशा, हम आयशा से भी संपर्क करेंगे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये उत्साह भरी तस्वीर है क्योंकि हम लगातार मोदी के नारे भी सुन रहे हैं, वो उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है, लोग प्रधानमंत्री का कटआउट लेके चल रहे हैं तो हाथों में फूल है। ये जो उत्साह है ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है क्योंकि बहुत कम दूरी होती है अपने
प्रधानमंत्री के बीच में एक दूरी कम हो, अपने आप में एक जुड़ाव महसूस करता है हर एक व्यक्ति, शायद इस लिहाज से भी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, और उनका जो शख्सियत है उससे जनता का प्रभावित होना, ये भी अपने आप में लोगों की मौजूदगी का कारण तौर पर, और ये उत्साह दिखाई भी देता है तस्वीरों में, आप देख भी पा रहे होंगे और दूरदर्शन के जरिए देश भर के दर्शक देख पा रहे होंगे किस तरह से मोदी मोदी के नारे यहाँ लोग लगा रहे हैं, हर वर्ग के लोग हैं। और दरअसल जब हमने देखा कि तमाम चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को खासतौर पर कहते हैं कि उनकी राज्य सरकारें, बीजेपी शासित राज्यों की जो सरकारें हैं वो दरअसल हमने देखा है कि डबल इंजन सरकार के जो फायदे हैं उस पर किस तरह से तेजी से आगे बढ़ती है और तमाम आधारभूत ढांचे पर काम होता है, तो उससे एक बड़ा बदलाव, सकारात्मक बदलाव हम राज्य की विकास परियोजनाओं में दिखाई देते हैं, उसकी रफ्तार में दिखाई देती है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जब हम रोड शो देखते हैं तब उसमें हम तमाम वर्गों की भागीदारी न केवल देखते हैं बल्कि लोगों का उत्साह देखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्पवर्षा करना चाहते हैं, उन्हें नजदीक से देखना चाहते हैं। और यही वजह है कि इस तरह के रोड शो में हम देखते हैं कि ऐसी तस्वीरें दिखाई देती है जिससे ये बार बार एक तरह से इशारा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यूं ही नहीं कहे जाते, और निश्चित तौर पर ये जो विहंगम तस्वीरें हैं वो इस बात को साबित करते हुए। शुरुआत की है तीन चुनावी जनसभाओं के बाद हम देख रहे हैं भव्य रोड शो, और जिसमें बड़ी भागीदारी, बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी और सभी वर्गों की भागीदारी देख पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिहाज से ये इलाका बहुत खास है क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी बेंगलुरु में विजय हासिल करता है, जो भी बेंगलुरु की जो सीटें आप जो बढ़कर 28 हो गई हैं उसमें विजय हासिल करता है तो निश्चित तौर पर जीत की संभावना उसकी ज्यादा हो जाती है। और उस जीत में एक तरह से देखें बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती किसी भी ऐसे क्षेत्र में, क्योंकि अगर आप देखें उत्तर कर्नाटक की बात करें या दक्षिण कर्नाटक की बात करें या बेंगलुरु और उसके आसपास की विधानसभा सीटों की बात करें तो पार्टी ने इस बार एक नए सिरे से रणनीति बनाई है हर उस क्षेत्र में जहां पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि उसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते हुए, और आज चुनावी प्रचार के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक में पहला रोड शो भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस तरह के हम आगे भी हम देखेंगे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई और जनसभाओं को संबोधित करेंगे पार्टी निश्चित तौर पर यह प्रयास करेगी कि इन जनसभाओं में जो जो भारी भीड़ उमड़ रही है उससे फीडबैक लिया जाए कि किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को एक सकारात्मक एक तरह से राय मिलती हुई दिखाई दे रही जनता की। और बीजेपी को यह लगता है कि डबल इंजन सरकार की बात लगातार पार्टी के तमाम नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम चुनावी जनसभाओं के जरिए उनके नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं उसका एक फायदा होगा जनता के जहन में, वो बात निश्चित तौर पर वो बात समझ में आएगी क्योंकि वो फायदा देखा है बीते वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान कर्नाटक की जनता ने, निश्चित तौर पर जनता का भरोसा फिर से हासिल होगा। तो फिलहाल हम रोड शो में भव्य तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कार्यकर्ता बहुत संचित होंगे, और इन तस्वीरों में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं है बल्कि हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि हर वर्ग के लोग खासतौर पर युवा दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत विहंगम, और प्रधानमंत्री अपने विशेष वाहन में उस ओर पहुंचे जहां पे बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी उनको निराश नहीं करते हुए, और हर एक व्यक्ति का आमो खास का जो इस वक्त मौजूद है सड़क पर पहुंचा हुआ है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए, ये नारे ये लगातार प्रधानमंत्री के उनके स्वागत में ये लग रहे नारे, पुरुष हो, महिलाएं हो, युवा हो, बच्चे हो, हर कोई एक झलक पा लेने के लिए आतुर नजर आ रहा है प्रधानमंत्री की इस समय। शैलेंद्र, हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे डबल इंजन का भी, सरकार का जिक्र भी किया जिसको प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैलियों के माध्यम से रखा, चाहे बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में ढांचागत विकास की बड़ी और बृहद योजनाओं का जिक्र हो या फिर एक आम आदमी की मुश्किल भरी जिंदगी को आसान बनाने का बात हो, जैसे स्वनिधि योजना जैसे तमाम जो प्रयास सरकार ने किए उसको बेहतरी से जमीन पर उतारने का काम हुआ, और शायद इसीलिए विकास के आधार पर काम को जमीन पे करने के बाद में वोट मांगने की अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ में प्रधानमंत्री ने कहा जाए बीजेपी आज मौजूद है कर्नाटक की जनता के बीच में। बिल्कुल,
निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती है कि वो जनता के बीच जो उसने काम किया उसको लगातार सामने रखती है, जिन परियोजनाओं पर आगे बढ़ा गया है और भावी जो आगे का रोड मैप है उस पर भी एक तरह से चर्चा होती है, उसको भी सामने रखा जाता है और किस तरह से वादे को पूरा किया जा सकता है। दूसरे दलों की तरह वो नहीं है जो सिर्फ जनता के लिए वादे करती है और उन वादों को पूरा नहीं करती, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बहुत दावा करती है कि न केवल चुनावी वादों को पूरा करने की बात हो बल्कि राजनीति में शुचिता की बात हो, राजनीति में वंशवाद के खिलाफ काम करने की बात हो, राजनीति में युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, उन सब में भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो तमाम मानकों पर खरा उतरती है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरती है। और यही वजह है कि बीजेपी की हम जनसभाओं में देखते हैं कि तमाम विकास परियोजनाओं की चर्चा होती है कि कैसे उन योजनाओं को समय पर पूरा किया गया है, कैसे एक कल्चर डेवलप किया गया है, कैसे कार्य संस्कृति डेवलप की गई है जिसमें उद्घाटन भी समय पर होता है और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो तय लक्ष्य है उससे भी पहले समय पर हम देखते हैं कि परियोजनाओं को पूरा किया जाता है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी यह दावा करती है कि ये कार्य संस्कृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी शासित राज्यों के उस एक तरफ देखे का एक हिस्सा बन गई है कार्य संस्कृति। बिल्कुल, और ये आपने बेहद महत्वपूर्ण बात कही शैलेंद्र की तमाम वो काम जिनका एक पहला पत्थर प्रधानमंत्री बड़ी योजनाओं के तौर पर रखते हैं लेकिन उसका शुभारंभ उद्घाटन भी खुद प्रधानमंत्री करते हैं, इस नई प्रकार की कार्य संस्कृति और ये हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी भी शायद उस विश्वास को दर्शाती है कि हाँ जब आप एक ऐसा बीड़ा उठाते हैं, ऐसी जिम्मेदारी लेते हैं और उस काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं यानी संकल्प से सिद्धि तक आप जब आगे बढ़ते हैं तो ये जनता के बीच में विश्वास को पैदा करता है और शायद इसीलिए दुनिया के सबसे विश्वसनीय जो राजनीतिक नेता है उनमें प्रधानमंत्री मोदी की गिनती ऊपर होती है और शायद ये दुनिया के तमाम बड़े बड़े सर्वेज में ये बात निकल के आती है और उसमें बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री की यही कि किस प्रकार से आम लोगों से वो एक कनेक्ट सीधे तौर पर दिखाई पड़ता है, लोगों से जुड़ाव साफ तौर पर दिखाई पड़ता है और प्रधानमंत्री प्रधान सेवक होने के बाद भी प्रधानमंत्री होने के बाद भी जनता से जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते और उनकी कोशिश होती है हर एक व्यक्ति से किसी न किसी तरीके से जुड़ने का और यही एक वो मौका फिर से हम देख रहे हैं इस वक्त बेंगलुरु की सड़कों पर जहां प्रधानमंत्री एक लंबा रोड शो कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल करने के लिए पहुंची हुई है। शैलेंद्र, आप जिस बात को हम जिक्र कर रहे थे विकास की योजनाओं को समय पर पहुंचाने को लेकर, साथ ही साथ अगर हम बात करें पार्टी स्तर पर भी किस प्रकार से पन्ना प्रमुख की एक भूमिका को भी बनाना और उस रणनीति के आधार पर भी चुनाव को जमीन पर उतारना और उस जमीन पर पहुंचने के बाद में कहीं पर भी किसी भी कोशिश को ऐसे ना छोड़ना जिसकी वजह से आप जनता से ना जुड़ पाए या अपने काम की बात वहां तक ना पहुंचा पाए, ये भी अपने आप में दिखाता है कि प्रोएक्टिव रणनीति सरकार की ओर से हो संगठन की ओर से हो इसकी जो तारतम्यता कदम ताल है वो भी नतीजे दिलाती है। निश्चित तौर पर संगठन ने बीजेपी संगठन दरअसल बीजेपी सरकारों के कामकाज को जिस बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाती है और उन योजनाओं की फीडबैक को जब पार्टी स्तर से सरकार के शीर्ष नेताओं तक पहुंचाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसका एक हम सकारात्मक नतीजा देखते हैं, उन योजनाओं में तेजी से प्रगति देखते हैं। दूसरी बात, जब चुनाव आता है हमें देखते हैं कि संगठन की जो सक्रियता है वो बहुत बेहतर होती है। हालांकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव हो या ना हो हम देखते हैं कि संगठन के तमाम कार्यक्रमों की व्यूह रचना होती रहती है और पन्ना प्रमुख से लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के हम देखते हैं उनको एक जिम्मेदारी दी जाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे लगातार राज्य दर राज होते रहते हैं, पार्टी महासचिवों को जिम्मेदारी दी जाती है, प्रभार दिया जाता है राज्यों का और निश्चित तौर पर सबकी जिम्मेदारी तय की जाती है कि किनकी क्या भूमिका होनी है और यही वजह है कि यह माना जाता है कि सबसे बेहतरीन संगठन वाली एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, न केवल सदस्य संख्या के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बल्कि कार्य संस्कृति के लिहाज से जो संदेश शीर्ष स्तर से जाता है वो पन्ना प्रमुख तक सीधे कैसे पहुंचे और जनता के बीच उस संदेश को कैसे ले जाया जाए इसमें भारतीय जनता पार्टी की एक व्यूह रचना के तौर पर एक राजनीतिक दल के तौर पर हम देखते हैं कि बहुत सफलतापूर्वक उसे लागू करती हुई नजर आती है और उसके सकारात्मक परिणाम हम राज्य दर राज्य चुनावी नतीजों में भी देखते हैं। चूंकि राजनीतिक सफलता चुनावी सफलता सिर्फ योजनाओं में सफलता या योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करके ही एक तरह से कहें पूरी तरह सुनिश्चित नहीं की जा सकती, उसमें पार्टी संगठन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि संगठन के कार्यकर्ता ही जनता के बीच सरकार के कार्यों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। और आर्यन आपने देखा होगा
कोरोना काल में जब हमने देखा कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा था, तब किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में भी मदद की, तमाम जो स्वास्थ्य सेंटर थे उनके बाहर टेंट लगाए, लोगों को सहायता की, लोगों को प्रक्रिया के बारे में अवगत कराए, तो यानी सरकारी कार्यक्रमों के साथ एक साझेदारी की स्वयं सेवक के तौर पर, एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, जिससे कि सफलता बेहतर तरीके से की जा सके। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होता है जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त शैलेंद्र, ये तस्वीरें इस वक्त हम बयां करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री अपने विशेष वाहन से उतरकर इस वक्त जनता के बीच एक तरीके से मौजूद हैं उनकी, और दोनों हाथ हिलाकर जनता का स्वागत इस्तकबाल करते हुए और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और ये लगभग एक घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है प्रधानमंत्री के इस रोड शो का अपने विशेष वाहन से उतरने के बाद। अब इस वक्त प्रधानमंत्री जनता के बीच में पैदल एक तरीके से पहुंचे हुए हैं, और अभी भी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ये बताने दर्शाने के लिए काफ़ी है कि कैसे लोग फूलों के साथ में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री के चेहरे पर स्थायी मुस्कान के तरीके से वो भी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर जनता के बीच तक पहुँचना, उनके अभिवादन को स्वीकार करना, ये बताने दर्शाने के लिए काफ़ी है कि प्रधानमंत्री किसी उस मौके को नहीं छोड़ते जब उनको जनता से एक संवाद स्थापित करने का मौका मिलता है, और ये खुशी दो तरफा, जहां प्रधानमंत्री के चेहरे पर भी खुशी नज़र आ रही है तो वहीं जनता भी उत्साहित आह्लादित साफ तौर पे नज़र आ रही है। हमारी सहयोगी आयशा हमारे साथ में लगातार मौजूद है। आयशा, अब प्रधानमंत्री एक तरीके से अपने विशेष वाहन से उतर कर पैदल जनता के बीच में। जी हाँ, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो खत्म हो गया, और सुमनहल्ली जो पॉइंट था फ्लाईओवर पॉइंट, यहाँ तक 5 किलोमीटर की दूरी तय की है, और उनके साथ लाखों चाहने वाले उनके जो प्रशंसक हैं वो तमाम लोग उनके साथ पदयात्रा करते हुए पहुंचे हैं, और अब प्रधानमंत्री यहाँ से कुछ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे, और आज रात प्रधानमंत्री बेंगलोर में ही रुकेंगे, राजभवन यहाँ से पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि कल भी उनका दिन भर का प्रचार है कर्नाटक में, और कल वो जो है चनपटना, बेलूर और ओल्ड मैसूर रीजन में प्रचार करेंगे। तो यहाँ से प्रधानमंत्री अब थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे, और